उसमें ख़ास तौर पे वो लोग जो दहशतगर्दों को पनाह दे रहे थे, उनको साजो सामान दे रहे थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा रहे थे, उस तरह के लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, उनकी पूछताछ जारी है और भी क्ल्यूज तफ्तीश के दौरान मिल रहे हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। देखिए, इस एरिया में जहाँ जो ऑपरेशन हुआ, पहले तो लोकेशन की जो रेकी करना और उसको अच्छे से समझने के बाद उस एरिया को चूज़ करना, जहाँ पर गाड़ी की स्पीड लगभग जीरो के करीब आ जाएगी, डाउन हिल है बिल्कुल, कल का एकदम शार्प टर्न है यहाँ पर गाड़ी है और आपको आड़ लेने की जगह है, उसी आड़ के तहत टेरिस्ट रोड के करीब आकर के उन्होंने मुछ लगाया। मुछ लगाने के बाद तो फायरिंग हुई, जो आगे वहाँ पर चल रहे थे गाड़ी में उनका नुकसान हुआ, वो जख्मी हुए और उनको जख्मी हालत में जो थे उसी वक्त उन्होंने फिर गाड़ी को भी आईडी लगा करके गाड़ी को आग लगाई और गाड़ी को ब्लास्ट किया। इस तरह की जो पूरी की पूरी कार्रवाई है वो बड़ी अच्छी, एक रैकी के बाद, एरिया की रैकी के बाद जगह की सिलेक्शन हुई है और लगता है कि उनका कोई नेटवर्क ऐसा होगा जिसके ज़रिए से गाड़ी के चलने की मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की उनको मालूम था और अपनी पोजीशन उन्होंने बारिश के बावजूद भी और उस दिन गड्ढे भी पड़ रहे थे उसके बावजूद भी वो पोजीशन ली और इस तरह का नुकसान वहाँ पर हुआ। इसके एडम की कार्रवाई ड्राई डे और नो ड्राई डे चलती रहती हैं, छोटी मोटी ऑपरेशनल एक्टिविटीज एरिया में जगह जगह पर हमारे कैंप में वो चलती रहती हैं। क्या उसमें रक्की कार्रवाई के लिए थी या इसके लिए थी, इस तरह की बात अभी तफ्तीश में नहीं सामने आई है। उस सामान इफ्तार का था या नहीं उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, कम से कम हम लोग ये सोचते हैं कि तीन लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, तीन से पाँच लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें लगती है और अभी तफ्तीश चल रही है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आने वाले वक्त में, एक तरह की जो मुनिशन है उसका वैली में इस्तेमाल काफ़ी इंसिडेंट्स में कॉमन है और इस एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया, डांगरी वाले इंसिडेंट में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, दे कम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक्स और दे वांट टू मेक श्योर कि अगर छोटा मोटा मोर्चाबंदी भी कहीं हो तो उसके बावजूद भी उनका जो फायर है वो कारगर हो। तो मुझे लगता है उसी स्ट्रेटजी का, देखिए लोकल सपोर्ट के बगैर इस तरह की कार्रवाई जो है उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता है। अभी भी इस में जो हमने पकड़ा एक मॉड्यूल पूरा जो इन्वॉल्व है, जो इनको पिछले दो तीन महीने से मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है, निसार और उसका फैमिली, जो परिवार के लोग जो राशन पानी हर तरह की सुविधा इनके लिए फराहम कर रहे थे, इनको प्रोवाइड कर रहे थे, इनका जो पाकिस्तान से सामान ड्रोन के ज़रिए से आया था वो भी उठा के लाया और इनको मुहैया किया गया और इनको दिया गया, उसमें कैश भी शामिल था, उसमें असला और अमुनिशन भी शामिल था, बाकी चीज़ें भी इनकी ज़रूरत की शामिल थी, ग्रेनेड भी शामिल थे। तो ऐसी जो लोकल सपोर्ट है उसकी निशानदेही हम लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बड़ी सख्ती से डील किया जाएगा। ज़्यादातर ये ऐसी जगह चुनते हैं जो जंगल के करीब होती हैं और जहाँ पर इनको सपोर्ट भी मिलती रहे और इनको स्केप करके जंगल में जा कर के वहाँ पर रहने की हाइडआउट्स का मौका भी मिल जाए। ज़्यादातर ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर नेचुरल हाइडआउट्स अवेलेबल हैं, उसी ऑपरेशन के तहत हम लोग कार्रवाई के तहत ही जगह देख रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ भी नेचुरल हाइडआउट हो उनकी हम निशानदेही करें और इनके आने वाले टाइम पर जो जहाँ पर ये रहने की जगह हैं उनको निशानदेही। एरिया में ड्रॉपिंग हुई थी, उस एरिया का अभी हम लोग पूरा अभी जायजा ले रहे हैं, मौके पर ले जा के देखेंगे इनको कि कहाँ पर सामान आया था, मगर काफ़ी वारदातें ड्रोन की रजौरी और पुंछ के एरिया में हो चुकी हैं जिसमें इनकी सप्लाई जो है पाकिस्तान से सीधी आती है। तो आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की एजेंसीज का हाथ कैसे है, तो जब इनकी हर सप्लाई ड्रोन के जरिए इन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लोकल सपोर्ट जहां इनको मजबूरी है वो लोकल सपोर्ट लेते हैं, मगर बहुत सारा सामान इनका पार से, असला अमुनिशन, राशन पानी और बाकी चीज़ें, पैसे, कैश पार से ड्रोन के जरिए भी इन तक पहुँचाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की एजेंसी जिसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है, पूरी तरह इन्वॉल्व है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनका हमारे पास डाटा है काफ़ी हद तक, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं।